अभी जा रहे हैं हम लोग मीटिंग में, और ये हैं राम सिंह भाई। और वाइल्ड लाइफ की मीटिंग चल रही है, जिसमें क्या कहते हैं प्राइवेट रिजॉर्टों को बंद करने का आदेश आया है, तो इस सिलसिले में मीटिंग है। तो हम अभी जाते हैं। तो ये भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं हमारे, और रमेश भाई पीछे बैठे हुए हैं। तो देखिए कितनी पतली रोड है यहाँ पर, और गाड़ियाँ क्रॉस करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखो कच्चे में डालनी पड़ी है, तो अभी हमने गाड़ी कच्चे में डाल दी है। तो ये है फॉरेस्ट यहाँ का, काफ़ी बढ़िया सुंदर। गाड़ी की स्पीड 30 से 40 रहती है यहाँ पर। और ये है पार्किंग गाइस, यहाँ पर से 2 किलोमीटर की जर्नी है 0 पॉइंट की। और रोड देखिए बिल्कुल सिंगल रोड है यहाँ पर यह। उस पर तो गाइस यहाँ पर जंगल है ना, घना जंगल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और तो यहाँ पर ख़तरा भी रहता है जंगली जानवरों का, जो काफ़ी घना जंगल है। 88वीं सेंचुरी बनी हुई है। तो ऑलमोस्ट फॉरेस्ट हाउस पहुँचने वाले हैं, फॉरेस्ट हाउस जा रहे हैं हम लोग अभी। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं फॉरेस्ट हाउस, और यहाँ पर कुछ लोग और भी आए हैं मीटिंग के लिए। तो यहाँ पर मिंसर रिट्रीट वाले भी आए हुए हैं। एक मिनट इसको अच्छी तरह लगा देता। तो और भी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, और यहाँ पर फॉरेस्ट की पार्किंग है ये। तो यशवंत जी हमको छोड़ के चले गए हैं, हैं? हाँ चलो, तो हम लोग अभी चलते हैं इधर फॉरेस्ट बंगले में। ये है फॉरेस्ट बंगला यहाँ पर, ये वन विश्राम गृह लिखा हुआ है, और यहाँ पर डांग बंगला है, 1902 में बना हुआ। तो विवेकानंद भी यहाँ पर आए थे, देखिए ये विवेकानंद भी आए थे यहाँ पर। तो ये रास्ता है फॉरेस्ट हाउस के अंदर जाने के लिए, प्रवेश के लिए। तो स्पेशली हम जा रहे हैं यहाँ पर मीटिंग में, तो DFO साहब के साथ मीटिंग है, और DM HDM साहब भी आने वाले हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या दिक्कत आ रही है ना, कि ये प्राइवेट रिजॉर्ट्स को बंद कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ अनियमितता पाई गई है ना, उनके पूरे वो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है शायद, इसके वजह से यहाँ पर ये प्राइवेट रिजॉर्ट बिनसर सेंचुरी में बंद हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पर मीटिंग है, तो KMEN से मैं और रमेश जा रहे हैं वहाँ पर मीटिंग अटेंड करने के लिए, देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। और यहाँ पर हमें मिले हैं भट जी, गेट प्रभारी हैं, और आज मीटिंग के अवसर पर यहाँ पर भी आए हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ लोग पहले ही से आए हैं, अधिकारी लोग, और यह है फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, ये DFO साहब की गाड़ी है यहाँ पर। और मोहनदा और गोविंदा भट जी, वो ये है फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, और मोहनदा और ये गोविंद भाई है यहाँ पर। चलो बहुत कुछ लोग आ गए, सब बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, जाओ। मीटिंग शुरू होगी क्या? हेलो बा, मैं ना लोअर स्टाफ तो हो रहा, तो मैं वही मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं मुझ में एक जुनून है कि मेरे यहां प्लांटेशन होगा तो बहुत बढ़िया होगा, मुझे मजा आता है। तो मुझे मान लो है कोई दफा ना 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 बड़े-बड़े गड्ढे ढूंढ उठता है सारा कौन अपने उस मीटिंग में प्रधान जी के विरोधी पक्ष को भी पूरा वेटेज देंगे और दोनों का बराबर सहयोग देंगे, ये मेरा मकसद है। प्लास्टिक को इकट्ठा करके फिर आगे भेजना है, प्रोसेस के लिए भेजना है, कहाँ भेज सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम बैठ के ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। अभी क्या है कि हम जानते नहीं एक दूसरे को, गांव वाले आप लोगों को नहीं जानते हैं, आपका गांव वालों के साथ उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है, फॉरेस्ट वालों का नहीं है। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, मेरे गाँव में अभी लगभग 32 लोग हैं, बच्चों को भी मिला करके सभी बात। जाओ भाई गार्ड साहब, दो वाचर रखो, गार्ड साहब अपने ऑफिस से भेज गाँव वालों के सामने, सच्चाई ना।
बड़ी देर से आता है, सच्चाई होती बड़ी देर से नहीं देता है, और वो जल्दी जगह तो उसमें कंट्रोल कर सकते हैं जब, ठीक है, सुरक्षित रहता है। तो ये सब लोग हमें हर पॉइंट को उसी उसी के उसमें लिखना होता है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना होता। उसमें एक इको टूरिज्म करके है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना कि हमने पहले बुक जाता है ना, वही मेरे को भी मालूम है। 5 लाख और खर्च होंगे तो 10 लाख का हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन कब खुलेगा? अब होने के बाद हम जा रहे हैं वापस, और हमारे कुछ गाइड लोग भी आ गए, साथी लोग भी आ गए। अबे तुम लोग तो आने वाले थे, क्या हुआ? ये भाई हाँ, ये आने वाला था भोपाल भाई है, क्या हुआ फिर? मीटिंग हो चुकी है पूरी, तो गाइज अभी मीटिंग पूरी हो चुकी है, और जब इनको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से अनुमति मिल जाएगी तो ये यहाँ पर होटल पे टूरिज्म संबंधी कार्य कर सकते हैं। तब तक बिल्कुल मना है, तब तक ये अभी यहाँ पर क्या कहते हैं अपने गेस्ट हाउस में गेस्टों को नहीं रख सकते हैं, ये अभी इनके लिए ये सूचना हुई है। तो अभी ये लोग कुछ कार्रवाई करेंगे, और इसमें क्या कहते हैं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट अनुमति लेके आके अपने गेस्ट हाउस चला सकते हैं।